नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। हॉकी इंडिया की ओर से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हो रही प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पुरुष और महिला टीमें फाइनल में पहुंच गई है। दोनों ही टीमों ने गुजरात की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। खास बात यह है कि पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व इटारसी का प्लेयर प्रशांत तोमर कर रहा है। वहीं टीम में इटारसी का दूसरा खिलाड़ी प्रशांत राजपूत भी खेल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुरुष टीम के कप्तान प्रशांत ने बताया कि लीग मैच में हमने राजस्थान से 3-3 से ड्रॉ खेला था। वहीं छत्तीसगढ़ को 5-3 से हराया, महाराष्ट्र से 4-2 से जीते और गुजरात को सेमीफाइनल में 10 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं फाइनल में पुनः राजस्थान से मुकाबला होना है। मध्य प्रदेश की महिला टीम ने भी गुजरात को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आपको बता दें, दोनों हॉकी टीमों को मिली सफलता पर हॉकी मध्य प्रदेश और DHA ने बधाई देकर सेमीफाइनल में जीत के लिए शुभकामनाएं दी है। और भी खास खबरों को जानने के लिए बने रहे DB News के साथ।